प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुनील प्रकाश आदर्श विद्यापीठ नौदम संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चतुर्थ पाठ में नैव दृष्टा न च कठिना इस गीत को पढ़ा था और उसका अनुवाद भी किया था, लेकिन आज एक बार फिर से इसी गीत का अनुवाद करेंगे। इस गीत का हिंदी अनुवाद, इस गीत को समझेंगे, इस गीत में क्या कहना चाहता है। तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सूरज से सुबोधा विश्व मनोज्ञा, सूरज का मतलब बिल्कुल आसान है, सुबोध जल्दी से मन के अंदर समझ में आने वाली है, विश्व मनोज्ञा पूरे संसार के लोग जो है उनके मनों को ये बात संस्कृत भाषा जानती है, यानी कि संस्कृत भाषा सभी लोगों के मन को अच्छी तरह से जानती है। ललिता हृदया रमणीया, ललिता का मतलब सुंदर लगती है, किसको हृदय मन की दिल को, अपने दिल को सुंदर लगने वाली है। रमणीया का मतलब हमारा दिल इसके अंदर लग जाता है। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो ऐसे मधुर मधुर गीत आते हैं, ऐसे मधुर काव्य आते हैं, तो उनके अंदर हमारा दिल लग जाता है। इसलिए कहा है अमृत वाणी संस्कृत भाषा, जो संस्कृत भाषा है वो अमृत के समान मधुर है, यानी कि देवताओं की भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। नैव क्लिष्टा न च कठिना, और वो संस्कृत भाषा कैसी है, न तो क्लिष्टा कठोर है और ना ही कठिन है, कठोर का मतलब जो मुश्किल से समझ में आए, यानी कि सरल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है। इसके बाद में आता है अपना दूसरा पैराग्राफ, इसमें लिखा है कवि कोकिल, कवि यानी कि कवियों में, कोकिल यानी कि कोयल के समान, कवियों में कोयल के समान है, और वाल्मीकि जो वाल्मीकि ऋषि है वो कवियों में कोयल के समान है, उन्होंने विरचिता, विरचिता का मतलब रचना की, किसकी रचना की, रामायण रमणीय कथा, रामायण नाम की रमणीय मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर कथा का मतलब कहानी की रचना की थी, किसने, कवियों में श्रेष्ठ कोयल के समान वाल्मीकि कवि ने रामायण नामक सुंदर कथा की रचना की थी। इसके बाद अतीव सरला मधुर मंजुला, अतीव सरला यानी कि बहुत ही सरल है, बिल्कुल आसान है, मधुर मधुर है, सुंदर लगने वाली है, मंजुला का मतलब कोमल है, ये जो रामायण नाम की कथा है वो बहुत ही सुंदर मधुर और कोमल रचना है, और वो नहीं क्लिष्टा न च कठिना, ना तो वो संस्कृत भाषा में जो रामायण लिखी है वो क्लिष्ट है और ना ही कठोर है, ठीक है, यानी कि जल्दी से आसानी से समझ में आने वाली है। इसके बाद मिलता है तृतीय पैराग्राफ, इसमें लिखा है व्यास विरचित गणेश गीता, व्यास के द्वारा विरचित यानी कि बनाई गई, व्यास ऋषि ने, महर्षि वेद व्यास थे, उन्होंने इसको बनाया था और लिखा किसने था, गणेश भगवान श्री गणेश जी ने इसको लिखा था, किसको लिखा था, महाभारत पुण्य कथा, जो महाभारत नाम की पुण्य कथा है, पुण्य प्रदान करने वाली जो कथा है उसको महर्षि वेद व्यास ने बनाया था और श्री गणेश भगवान जी ने उसको लिखा था। और उस महाभारत नाम की कथा में क्या है, कौरव पांडव संग्रह मथिता, कौरव माने कौरव, सारे के सारे कौरव, और पांडव माने पांडव, कौरवों और पांडवों का जो संग्रह मथिता यानी कि संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन है किसमें, महाभारत पुण्य कथा, महाभारत नाम की जो पुण्य कथा है उसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है, और वो महाभारत नैव क्लिष्टा न च कठिना, और वो महाभारत ना तो कठोर है और ना ही कठिन है, यह की आसानी से समझ में आने वाली है, नैव क्लिष्टा न च कठिना। आगे आता है कुरुक्षेत्र समरांगण गीता, कुरुक्षेत्र के समरांगण का मतलब युद्ध भूमि में, युद्ध का जो मैदान था कुरुक्षेत्र में, उस युद्ध के मैदान में गीता, भगवत गीता नाम की जो पुस्तक है उसका भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, और वो भगवत गीता कैसी है, विश्व वंदिता पूरे संसार के द्वारा पूजा करने योग्य है, पूरे संसार के द्वारा उसकी पूजा की जाती है, इसकी भगवत गीता, भगवत गीता की पूरे संसार के द्वारा पूजा की जाती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जिस भगवत गीता का उपदेश दिया था वो भगवत गीता पूरे संसार के द्वारा आज पूजी जाती है, पूरे संसार के लोग आज उसकी पूजा करते हैं। अमृत मधुमा कर्म दीपिका,
और जो महाभारत है ऐसी कोई भागवत गीता वो अमृत के समान मधुर है और कर्मदीपिका का यानी कि हमें अपना कर्म करने की वो प्रेरणा देती है और भगवत गीता हमें अपने कर्मों को लगातार करते रहने की प्रेरणा देती है। नहीं वह पिस्ता न चटिना और वो भगवत गीता ना तो कठोर है और ना ही कठिन है। आगे आता है अंत करना कवि कुल गुरु न रसो न मेघ जा। कवि गुरु कवि गुरु कौन थे? ये कालिदास। कालिदास के बारे में यहाँ पे वर्णन है, कालिदास के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो कवि गुरु गुरु कालिदास जी ने नव रसो न मेघ जा लो रस रूपी मेघ जा मेघ जा मतलब दवाइयां लो रसो रूपी दवाइयों के द्वारा मतलब संस्कृत को और संस्कृत को पढ़ने वाले लोग हैं उनको आनंदित किया है। तो वो नव रस है और वो नव रस कैसे लिखे हैं? ऋतु ऋतु रघु और कुमार ऋतु संहार नाम की एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने और रघुवंश नाम का एक बहुत बड़ा काव्य लिखा था। कुमार कुमार स्वभाव नाम का एक काव्य लिखा था और ये तीन इनकी कविता थी इनकी काव्य थे। और क्या लिखा था इन्होंने? विक्रम सावंत्र विक्रम और वसीयम नाम का एक नाटक लिखा था। अधिकार सावंत्र नाम का एक नाटक लिखा था और मालविकाग्नि विक्रम ये एक दो तीन चार पांच छह ये छह सात इन्होंने काव्य लिखे थे। और ये काव्य कैसे है? नैव क्लिष्टा न च कठिना और ये काव्य ना तो कठोर है और ना ही कठिन है। तो एक बार फिर से हमने इस पूरे पाठ का अनुवाद कर दिया है। आशा करता हूँ आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको अच्छी तरह से गाने की प्रैक्टिस करनी है अपने घर में तो सभी बच्चे इस पूरे के पूरे गीत को अपने आप गा गा कर इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।